हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेकर, और आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और हाँ, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आप लोग फ़ोन तो सभी लोग चलाते हुए ना, फेसबुक, यूट्यूब, इन जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, APKs आप बहुत सारे यूज़ करते हो। पूरा दिन आप अपना फ़ोन यूज़ करते रहते हो। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो अपना फ़ोन चला रहे हो वो आप रोज़ कितने घंटे, मतलब दिन में जैसे 12 घंटे होते हैं, तो दिन के 12 घंटों में आपने कितने घंटे मतलब अपने फ़ोन पे आप एक्टिव रहे हो, कितने देर तक आपने अपना फ़ोन चलाया है? अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही ईजिली जान पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। एक फ़ीचर होता है हमारे लगभग लगभग सभी फ़ोनों में होता है, ठीक है? तो इस फीचर के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो लोग जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वो वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल थे तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। मैं हूँ आप लोगों को दोस्त होस्ट विकास चौधरी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब हम अपने फ़ोन के टॉकबैक को ऑन करेंगे और फिर अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। अच्छा, ये फ़ीचर आपको अपने फ़ोन में और भी कहीं मिल सकता है सेटिंग्स में, तो जब कहीं ना मिले तब आप सेटिंग्स में जा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको स्वाइप करते हुए जाना है connection, connected device, modes and routines, और जाना sounds and vibrations, notifications, status, display, brightness, eye comfort, notification, display, battery, power, wallpaper and stop, themes, home screen, lock screen, security and privacy. इसी तरह आपको स्वाइप करते हुए जाना है, वो ऑप्शन आपको आगे देखने को मिल जाएगा। location, safety and alert, accounts, Google, advanced features, digital wellbeing and parental controls, screen time map timers. Digital wellbeing and parental control, इसके अंदर चलेंगे हम लोग। Digital welding, navigate up button. अच्छा, आप जैसे ही हम इसके अंदर एंटर किए, ठीक है, अब राइट चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन है। Digital welding, search button. यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो जिस भी आपका टाइमर देखना चाहते हो। Weekly report button. ठीक है, वीकली रिपोर्ट कर सकते हो। More options, new content available. और मोर ऑप्शन से इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। Pop up, set it. इसके अंदर केवल सेटिंग्स है, ठीक है, जहाँ पे हमें जाना है नहीं। तो राइट चलते हैं। 2 hours 46 minutes, 25 minutes more than yesterday. ठीक है, देखो ये कल से दिखा रहा है कि आज हमने फ़ोन 2 घंटे 45 मिनट अभी तक यूज़ किया है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन को मतलब थोड़ा कम ही यूज़ कर पाता हूँ, है ना। इसके आगे apps, Facebook, 1 hour 22 minutes. फेसबुक है, फेसबुक को हमने 1 hour 22 minute यूज़ किया है आज। YouTube, 38 minutes. जिसमें से YouTube को हमने 38 मिनट यूज़ किया है। WhatsApp, 23 minutes. WhatsApp को 23 मिनट हमने यूज़ किया है, ठीक है। Screen time goal, set a goal to help manage your screen time. अच्छा, यहाँ से आप अपने स्क्रीन टाइम आउट को मतलब सेट कर सकते हो, ठीक है, कितनी देर स्क्रीन ऑन या ऑन रहेगी, है ना। Set goal button. App timers. If you're using certain apps more than you'd like, set a timer to help manage your usage. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक फीचर और भी दिया गया है कि आप अपने मतलब ऐप पर टाइमर स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप चाहते हो कि आप अपने YouTube को 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप अगर YouTube पे अपने टाइमर लगा दोगे तो जब आपको YouTube देखते देखते जब 2 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद YouTube खुद ही ओपन होना बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट दिन ही ओपन होना स्टार्ट होगा, ठीक है, आप जब आप टाइमर हटा दोगे तभी ओपन होगा, ठीक है। तो ये फीचर दरअसल इसलिए दिया गया है जिन जिन लोगों को अपने फ़ोन में ज़्यादा घुसे रहने की आदत है ना, तो वो लोग अगर चाहते हैं कि भाई हमको ये खुद ही फ़ोन बता दे कि हम इतनी देर फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं और आप अपना टाइमर फिक्स कर लो, है ना, तो ये इसलिए दिया गया है। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ सोचा है हम और आप लोगों के लिए, है ना। राइट चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट में जो आवर्स टाइम दिखा रहा होता है ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, ठीक है, अब राइट चलते हैं। डैशबोर्ड सिलेक्टेड, एप्स टैब 1 ऑफ 2 टैब, ऐप टैब है ये, कैटेगरीज टैब 2 ऑफ 2, ठीक है, इसके बाद कैटेगरी टैब है, कैटेगरी टैब को हम आगे देखेंगे, अभी राइट चलते हैं। प्रीवियस बटन, प्रीवियस टुडे, नेक्स्ट बटन, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट मतलब आप प्रीवियस का देख सकते हो, नेक्स्ट का तो नहीं देख सकते भाई, अपनी लाइफ की तरह है, जो हमारी लाइफ में पहले हो चुका है वो तो अपने को याद है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसने देखा है भाई। बिल्कुल इसी तरह ये फ़ोन का है,
फ़ोन को भी आगे पता नहीं कि आप आगे कितना यूज़ करने वाले हो, इसलिए नेक्स्ट डिसेबल है, प्रीवियस वाला अनेबल है ना, प्रीवियस में जाके यानी कि कल आपने फ़ोन कितना यूज़ किया था, परसों कितना यूज़ किया था, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं प्रीवियस में। ठीक है, उसके बाद चैट एरिया, यहाँ पे ये स्लाइडर बार शो कर रही होती है जो कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए अनएक्सेसिबल है, इनको कुछ नहीं छेड़ेंगे हम लोग। Facebook 1 hour 22 minutes। ठीक है, इसके बाद आप अपने फेसबुक को चेक कर सकते हो। YouTube 38 minutes। ठीक है, YouTube को चेक कर सकते हो। WhatsApp 23 minutes। ठीक है, WhatsApp को View more, but... इसके आगे व्यू मोर पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके जितने फ़ोन के सारे एप्लीकेशन हैं वो सारे आगे शो करने लग जाएंगे कि किस किस एप्लीकेशन को कितनी देर आपने यूज़ किया, वो सारी चीज़ें को चेकआउट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि अगर हमको अपने किसी भी एप्लीकेशन पर टाइमर लगाना है कि हम अपने एप्लीकेशन को इतनी देरी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल है, देखो यहाँ पे व्हाट्सएप शो कर रहा है तो हम व्हाट्सएप पे टाइमर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर हम सिंपल क्लिक कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे हमने क्लिक किया, अब राइट चलते हैं। ठीक है, यहाँ से वीकली में लगा सकते हो। Next button disabled. है ना? Screen 20 shard area app timer. अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है app timer. ठीक है, इसमें जाएंगे हम लोग. Set timer for WhatsApp. अब देखो set timer for. Selected Sunday switch. उसके बाद यहाँ देखो संडे से लेकर मंडे तक सभी डे यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि सप्ताह के पूरे सातों दिन आप ये फीचर रखना चाहते हैं या फिर किसी एक या दो दिन, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। मान लो सप्ताह के एक दिन आप करना चाहते हो तो बाकी के 6 दिनों को आपको नोट सेलेक्टेड करना होगा। ठीक है, अगर आप 2 दिन को चाहते हो तो बाकी के आपको 5 दिनों को नोट सेलेक्टेड करना होगा। ठीक है, यानी कि 7ों दिन यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप इतने दिन नहीं इतने दिन यूज़ करना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप उतने दिनों को अनसेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सिलेक्टेड मंडे, सिलेक्टेड ट्यूसडे, सिलेक्टेड वेडनेसडे, सिलेक्टेड थर्सडे, सिलेक्टेड फ्राइडे, सिलेक्टेड सैटरडे स्विच। ठीक है, तो आज देखो मैं देख लेता हूँ। थर्सडे जून 6। ठीक है, आज थर्सडे है। सिलेक्टेड सेट टाइमर फॉर Selected Friday, Selected Thursday, Select Selected Not Selected ठीक है, थर्सडे को मैं सिलेक्ट कर देता, बाकी सभी को Select Not अनसेलेक्ट कर देता हूँ। Not Select ठीक है, मैंने सभी को सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद अपना टाइमर सिलेक्ट करते हैं। Not 23 button 00 edit box 20 00 edit box hour यहाँ पर आपको अपने आवर्स डालना है, मैं यहाँ पे 2 hour डाल देता हूँ। 0 maximum length reached delete editing editing 2 edit box 28 edit box mid मिनट डाल देते हैं 28। ठीक है, डन कर देते हैं। keyboard hidden WhatsApp app timer 2 hours 28 minutes ठीक है, 2 घंटे 28 minutes YouTube चलने के बाद मेरा खुद ब खुद ये मतलब ओपन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, notification 34 received 12 more than yesterday। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको अगर डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो not selected selected ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ से इसको 02 edit box space 00 कर दो यहाँ से। ठीक है, delete 0 hour delete window number keyboard 28 edit done cancel but ठीक है, तो यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हो। weekly tab 2 of 2 ठीक है, यहाँ पे weekly tab है। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं categories tab 2 of 2 अच्छा, यहाँ पे जो category tab दिखा रहा था इसके अंदर चल के देखते हैं। categories tab 2 of 2 अब देखो social 1 hour 47 minutes 67 received 15 more than yesterday। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दिखाएगा सोशल और इस तरह से मतलब कैटेगरी में शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, digital welding 2 hours accessibility button एक मिनट YouTube के अंदर है 13 notification app timer app timer के अंदर जाके आप इसको Sunday switch बंद कर सकते हो। ठीक है, 47 button minute तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको फिर कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।